अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करें। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी या कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास रहमो करम नाजिल करे, आमीन सुम आमीन। और मैं आज बना रही हूँ चिकन दम बिरयानी। वैसे तो मैं इसकी रेसिपी कई मरतबा दे चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं सोचा चले बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, जिनको मैंने हाफ़ आधी प्याज फ्राई करके निकाल ली थी पहले, और अब मैंने आधी प्याज इसमें डाली है और उसको हम फ्राई कर रहे हैं। लाइट गोल्डन करना है इसे हमें। इसको हम जब तक फ्राई करेंगे तब तक इसे हम कलर ना देते हैं, गोल्डन कलर आ जाए प्याज का हमारी, तो दम बिरयानी बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने बनाई थी शान के मसाले से। तो वैसे तो हम घर के मसाले डालते हैं, लेकिन मैंने शान का पैकेट भी डाला था। तो यहाँ देखिए लाइट से गोल्डन कलर दिया है मैंने। अब मैंने इसमें अपनी चिकन डाल दी है और इसको डाल के मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है चिकन को अपनी, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसकी रॉ स्मेल नहीं निकल जाती। तो ये देखिए हमारी चिकन का कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब मैंने यहाँ पर सिंपल 2 तेज़पत्ते लिए हैं, 4 2 लिए हैं उनके 4 पीस कर लिए हैं। थोड़ा सा गर्म मसाला लिया साबुत, जिसमें सब चीज़ें होती हैं वही हैं, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून, ठीक है ना। इसमें डाल के मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी अच्छे सा चिकन के साथ, इसको फ्राई करना है अच्छी तरह। अब मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 साशे लिए हैं शान स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाले के, और ये मैं दोनों डालूँगी इसके अंदर। इन दोनों को डालने से बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो और यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको स्लाइस कर लिया था मैंने, थोड़ा मोटा मोटा काट लिया था। और 4 टमाटर लिए मैंने, उनको कट कर लिया था। 6-7 हरी मिर्चें ली थी, वो मैंने कट कर ली हैं। तो मसाले को हल्का सा भून के और इसमें ये हम तमाम चीज़ें डाल देंगे, और मैं ढक्कन ढक के इसको फ्लेम को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारे सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं इसको कवर करके। तो देखें यहाँ पर हमारे मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं और हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। देखें आप देख सकते हैं जो मैंने मिक्स किए टमाटर, बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए अच्छे से। अब मुझे चेक करना है कि आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। बहुत अच्छा सा मसाला को भूनना है। अच्छा, आलू में थोड़ी कसर थी तो मैंने 5 मिनट लिए लो फ्लेम पे इसको रख दिया था। और दूसरे साइड पे हमने चावल बॉयल होने रखे हैं, ये बासमती राइस है। तो मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा इसमें काला ज़ीरा डालूंगी, 3-4 हरी मिर्ची डालूंगी और 3-4 सिनेमन के टुकड़े डाले थे मैंने, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला था जो मुझसे मिस हो गया था, मैं दिखाना भूल गई थी। तो इसे हम वही एक कन्नी रख के बॉयल कर लेंगे अच्छा सा। यहाँ पे देखिए हमारा सालन तैयार हो चुका है, हमारा फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, आलू भी गल गए हमारे। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर मुझे दही डालना है, 1 पाव दही डाला है इसके अंदर मैंने, और इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया था मैंने। इसको पकाना नहीं है दही डाल के ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लेयरिंग करेंगे अपने चावलों की और सालन की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सालन डालनी है नीचे अपने पतीले के अंदर, और इसके ऊपर मैं हाफ चावल डालूंगी अपने जो मैंने बॉईल किए हैं। चावलों की लेयर लगाएंगे हम। ये बिरयानी इतने मज़े की इतनी टेस्टी बनी थी कि बहुत ज़बरदस्त बहुत शानदार बनी थी। अब मैं इसमें एक लेयर दोबारा सालन की डालूंगी अच्छी तरह फैला के हम इसमें डालेंगे,
और साथ ही इसके मैं थोड़ा सा पुदीना गार्निश करूँगी और थोड़ी सी फ्राई ओनियन। और इसके ऊपर फिर दोबारा हम लेयर लगाएंगे, पूरे चावल जो हमारे हाफ थे वो हम पूरे डाल देंगे। तमाम मैंने डाल दिए। अब इसके ऊपर जो बचा हुआ सालन जितना भी वो हम फैला के डाल देंगे और सेम इसी तरह करेंगे कि इसमें पुदीना और प्याज की भी लेयर लगा देंगे। और इसके अलावा मैंने येलो और ऑरेंज फूड कलर मैंने भिगो लिया था पानी के अंदर, तो वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। और इसको एल्युमिनियम फॉइल से ढक कर के इसको मैंने 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 15 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे दम लगाया इसको मैंने। ये हमारा ऑरेंज फूड कलर है और दूसरी तरफ मैंने येलो फूड कलर डाला है, तो यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। यहाँ पे देखिए हमारे चावल दम हो चुके हैं और पहले मैं इसको ठीक से कर दूँ। खुशबूएं बड़ी आ रही हैं और देखें लग कैसे रही है हमारी बिरयानी। वाओ ज़बरदस्त, इसकी लुक देखें कितनी शानदार है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े की, बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारे दम बिरयानी की फ़ाइनल लुक, और साथ में मैंने रायता बनाया है दही का। तो इसको आप अगर वीडियो को आप लोग इसी तरह बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।